प्रभु। ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है प्रभु। मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। नंदी, विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता, आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, फिर भी आप दोनों स्थिर रहे, किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो। क्यों प्रभु? माता आपके अर्धांगिनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक है। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है, अन्यथा आपको इतना हर्षित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म, और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है, और यह सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया। अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता? स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत तो होते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख, किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए? क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी? उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को ये चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी?